सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो दोस्तों, क्या आपके भी यूट्यूब से अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है? तो अगर दोस्तों आपके यूट्यूब से अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है तो हमें अपने जो बैंक अकाउंट में हमें वो लेनी होती है। वो दोस्तों हम कैसे लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आज का जो प्रोसेसिंग है वो दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में। और जो हमारा जो बैंक अकाउंट है, हम यूट्यूब से अर्निंग लेते वक्त तो हम उसमें कैसे अर्निंग लें अपने बैंक अकाउंट में, तो ये काफ़ी के मन में क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ब्रांच अकाउंट ओपन करवा लेना है। तो उस ब्रांच से आपको गिफ्ट कोड लेना होता है, जो कि दोस्तों एक हमें जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए हमें वो मांगा जाता है। यूट्यूब जो एडसेंस अकाउंट है उसमें जब हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, तो अगर दोस्तों आपको वो गिफ्ट कोड नहीं देते हैं तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, तो आपको लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाकर आप उससे वहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना जो गिफ्ट कोड है वो भी आप अपना आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको एडसेंस अकाउंट में अपना जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जब आपके $100 कंप्लीट होते हैं उसके बाद ही अर्निंग 25, 26, 27, 28 तारीख के बीच में आपके यूट्यूब अर्निंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो ये दोस्तों आपको बैंक अकाउंट का ये तो हो गया दोस्तों हमारे जो अर्निंग की प्रोसेसिंग। तो इसके बाद दोस्तों हमें जो अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है वो किस तरीके से हम अपने यूट्यूब में जो एडसेंस अकाउंट है तो उसमें हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ कि हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा अपना क्रोम ब्राउज़र। तो इस पर ओपन करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना होगा, टाइप करना होगा www.adsense.com। तो जैसे ही दोस्तों हम इसे लिख लेते हैं www.adsense.com, तो यहाँ पर हमें सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना यहाँ पर एडसेंस अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो हमें यहाँ पर तीन लाइन दिख रही होंगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे सिंगिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपना अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट हो एडसेंस अकाउंट का, तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड भरता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट कर देना है। तो इससे दोस्तों हमारा जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वो लॉगिन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर डेस्कटॉप साइज पर हमें यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर हमें तीन बिंदी का चमक रही है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें डेस्कटॉप साइड पर हमें कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों हमें अपना अकाउंट ऐड करना है यहाँ पर, जो कि हमें एडसेंस अकाउंट में जिसमें हमारा बैलेंस आएगा। तो हमें ऐसे करने के बाद यहाँ पर हमें तीन लाइन चमक रही होगी, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमें अपना पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद दोस्तों हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है यहाँ से। तो इसके बाद जैसे ही हम दोस्तों पेमेंट पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा जूम करके हमें कम कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों हमें जो हमारा थर्ड सोल है हमारा पर, जब हमारे यहाँ पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमारा एडसेंस पिन है वो भी हमारा आकर वेरीफाई हो जाता है। तो उसके बाद ही हमारा एक हफ्ते के बाद ही हमारा जो पेमेंट मेथड का ये ऑप्शन है तो ये हमारा ओपन हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम करते हैं अपना ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक। तो इसके बाद जब हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें अपने यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल भरनी होगी, जो हमारी बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर हमें देनी होगी। जब जाकर जो हमारा यूट्यूब से जो अर्निंग है वो एडसेंस अकाउंट में आती है, एडसेंस अकाउंट में आने के बाद वो हमारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, यहाँ पर अपना नाम भरना है, जो भी आपके बैंक में नाम होगा। क्या आपका जो दोस्तों आपने यूट्यूब किसी और के नाम से बना रखा है और आप अकाउंट किसी और के नाम से जोड़ रहे हैं जिसमें आप अपना पेमेंट लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप आराम से भर सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपका पेमेंट नहीं रुकेगा, जो आपका एडसेंस में जो आपका पेमेंट है वो आपका पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी कुछ डिटेल भरता हूँ। यहाँ पर अपना नाम भरना होगा आपको, जो आपके बैंक अकाउंट की पासबुक में होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक नेम देना होगा, जो भी आपका बैंक नाम होगा, जो भी आपका बैंक नाम होगा वो आप यहाँ पर भर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों आपको IFSC कोड देना है, जो आपकी ब्रांच का IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको भर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट कोड देना है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो भी बना चुका हूँ शिफ्ट कोड के ऊपर, जो आपको ऑनलाइन अपना शिफ्ट कोड निकाल सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे देना है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर भर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपका जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको दोबारा री एंटर आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है, और इसके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो सेट ए प्राइम पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना। तो ये दोस्तों मैं आपको इसमें अपनी ज़रा डिटेल भर के फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको नेक्स्ट करना है। तो सो फाइनल दोस्तों मैंने अपनी यहाँ पर अपनी सारी डिटेल दे दी अपनी बैंक की। तो इसके बाद हमें यहाँ पर सेव ए प्राइम पेमेंट मेथड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग आईडी पर आप यहाँ पर भरना नहीं, जैसे मैंने अपनी ये खाली छोड़ रखी है, आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ देना। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव कर देनी है। तो सेव करने के बाद जो दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट है वो आराम से लिंक हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका एडसेंस पिन का जो आपका बैलेंस है वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि दोस्तों ये हमारा जो है बैंक अकाउंट लिंक हो गया है हमारे एडसेंस अकाउंट से। इससे दोस्तों हमारा जो बैलेंस होगा एडसेंस का वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
25 तारीख से लेकर 26 27 28 के बीच में हमारा ये पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।